मन मंदिर तनवेश कलंदर घट ही तीर ना बोलो सारे नाम एक शब्द मेरे मेरे मन बस दे बहुत जन्म नाया शब्द मन बस दे बहुत जन्म नाया जन्म शब्द मेरे प्राण बस्त है।
बहुत जन्म ना आवा। सतगुरु जी की साजी नवाजी, गुरु प्यारे गुरु सवारे, गुरु का खास रूप गुरु खालसा सतसंग जी, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने साढ़े सारे उत्ते महान कृपा की है। सच्चे सतगुरु जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन चरणों में जुड़ बैठे हैं। आओ कुछ समा मन बिरतियां एकाग्र करके बैठने का यतन करिए। सब तो पहला कलगीधर जी की बख्शिश दोहराओ, प्यार नाल फतेह बुलाओ, कोई रसना वांझी ना रवे। एक बारी सारे बुलंद आवाज में आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज तीसरा और लास्ट दीवान है इस समागम का। भागा वाले हैं जेड़े आज अमृत की दात प्राप्त करके गुरु वाले बन के जन्म मरण के बंधना चो मुक्त हो रहे। जब अमृत की दात प्राप्त हो जाए फिर नाम अमृत जो साड़ी रूह की खुराक है, एक खंडे का अमृत होंगे जिन्हों असी कौमियत जगाने वास्ते छकने, जात पात खत्म करने लिए छकने, एक बाटे च छकने, एक खंडे की पहल है जिन्हों खंडे का अमृत सतगुरु जी ने अपने हाथों नाल लिखिया है हुक्मनामे च। खंडे का अमृत पंजां तो लेना। कई सज्जन कहिंदे ने ना भी इहनू अमृत ना क्या करो, इहनू पौल क्या करो, पर कलगीधर जी दे हुक्मनामे हथ लिख तो उन्होंने खुद लिखिया है कि खंडे का अमृत पंजां तो लेना, यह भी अमृत ही है। इस अमृत प्राप्त करने तो बाद फिर नाम अमृत जिहड़ा साडी रूह की खुराक है। अमृत नाम निदान है मिल पीवो हो पाई, इत्थे अमृत नाम है। सो इस तरह बड़ी बारी बेनती की है कि शरीर लई दुध अमृत है, पशु मिले चंगियाईयां खड़खा है अमृत रे। दुध नूं भी गुरबाणी विच अमृत लिखिया, 36 प्रकार के भोजन नूं भी अमृत लिखिया, जह प्रसाद छत्ती ही अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे। ये 36 प्रकार का भोजन भी अमृत गुरबाणी च लिखे। कारण की है कि शरीर लई दुध, शरीर की तंदुरुस्ती लई दुध अमृत का काम करता है। शरीर की तंदुरुस्ती लई भोजन अमृत खुराक है, शरीर की शरीर लई भोजन ही अमृत है, शरीर लई दुध ही अमृत है। पर कौमियत जगाने वास्ते अंदर जज्बा भरन वास्ते, वहम भरम दूर करन वास्ते, एक करन लई खंडे दा अमृत, उस तो बाद आत्मक तरक्की वास्ते साडा मन नाम नाल जुड़ जाए, परमात्मा नाल जुड़ जाए, उन्हों जोड़न वास्ते शब्द है जेड़ा, शब्द राही जुड़ती है ना, उत्थे फिर नाम अमृत। अमृत दे वेखो किन्ने अर्थ ने, जिहो जिहा प्रकरण है उहो जिहा अमृत दा अर्थ है। जिवें आपां कहिंदे आ वटे वट तुरिया जा, बंदा वट वट तुरिया जा रिहा, इह वी वट। कदे आपां कहिंदे आ किन्ना वट लगा है, गर्मी बड़ी है, आपां कहिंदे आ किन्ना वट लगा है। कदे आपां कहिंदे आ कपड़े च वट पै गया, आपां कहिंदे कपड़े च वट पै गया, हुण वट कपड़े च पै गया। वेखो है शब्द इक्को ही है पर प्रकरण होर है ते अर्थ बदल गया। इसे तरह गुरबाणी के बहुत सारे शब्द इदां दे हन
जिन्हों का भाव होर है, शब्द उ है पर अर्थ बदल गया। प्रकरण होर चल रहे हैं ना, प्रकरण मुताबक अर्थ होएगा। इस तरह खंडे का ही पहल प्राप्त करनी, खंडे का अमृत प्राप्त करना बड़ा जरूरी है। उस तो बाद फिर नाम अमृत, अमृत नाम निदान है। मिल पीवो भाई अमृत की दात प्राप्त करनी। नाम अमृत पंज प्यारियां तो मिल जाना है, फिर उन्हें दृढ़ करना। कल भी मैं अर्ज की सी, जेता कीता तेता नाओ विण नाम है ना ही को था। नाम तो बिना कोई थाव नहीं। नाम का अर्थ है परमात्मा। जिहड़ा असी इदां वाहिगुरु 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 जपने आ, इह असल विच रब दी होंद नूं असी महसूस करिए। जिवें गड्डी नूं धक्का ला दिओ, स्टार्ट हो जांदी है, मुड़ के फिर चली जांदी है। सैल्फ मारने हो भी एक बार इंजन नूं धक्का वजदा, स्टार्ट हो जांदा, मुड़ के फिर चली जांदा है। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਰਸ ਉਹਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਸ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇੱਕ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਹਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੱਛਰ ਬੈਠੀ ਜਾਏ, ਮੱਖੀਆਂ ਬਹੀ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਬੈਠ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਬਸ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਹਿੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਲੱਤ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਓਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਚ ਪਾਈਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਚ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਚੌਥੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਸਾ ਰਸਨਾ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ। ਜੀਵ ਨਾਲ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣਾ, ਜੀਵ ਨਾਲ ਜਪਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਣੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪੋ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਪੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪੋ। ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਦਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਕਲੀ ਹੈ,
ठीक है आपां सत्कार करने हैं तस्वीर का, यह कह सकते हैं भी ये साडे गुरु साहब की तस्वीर है, ये नहीं कह सकते भी ये साडा गुरु नानक, वो साडा गुरु नहीं है, बस एक याद है बच्चों नूं दसने हैं चलो भी बनाईया गई ने, पर जो गुरु ग्रंथ साहब जी मुताबक सिमरन की सब तो श्रेष्ठ जुगती है, गुरमत अनुसार जिन्हों मनने सारे वो की है धुन मह ध्यान, ध्यान मह जाने गुरमुख अकथ कहा, धुन विच ध्यान धरो, धुन विच ध्यान किवें धरीदा, धुन की है जिवें हुण मैं बोल रहा ते धुन है ना आवाज साउंड, धुन की है वाहिगुरु ये धुन है, तो इसे का ही ध्यान करना है, धुन मह ध्यान बोलो आप ते फिर उसे नूं सुनो, जीव बोले कन सुन, इदां शुरू करो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, इना आप अपने कन सुन उन्ना क बोलो, धुन विच ध्यान रखो, कुछ ना जिहड़ी आवाज आ रही है साउंड अपनी आवाज जिहड़ी है वाहिगुरु उहदे विच ध्यान टिकाण की कोशिश करो। इदां सिमरन करद्या करद्या छे महीने गुजर जाणगे, साल लंघ जाएगा, बंदे दे डिपेंड करदा है कि शौक किन्ना क, शौक प्यार किन्ना क्या उहदे अंदर, चाह किन्ना क्या सिमरन करन दा, कई हुंदे ने ना सारी जिंदगी पुछदे ही रहणगे सिमरन किद्दां करीदा है जी, कई आदत उन्होंने सिर्फ पुछण दी ही हुंदी है, कदे किसे नूं पुछ लैणगे कदे किसे नूं पुछ लैणगे, ना उन्होंने बैठना हुंदा है। आ परसों चौथे साडे उत्थे स्थान ते काया सिंह परिवार ही सी, वो मैनू बैठे बैठे कहिंदे बाबा जी बॉम्बे वल्लों सन पढ़े लिखे भी सन, हुण पढ़े लिखे ने गल समझदे बहुत सी,